तो आप ठीक है। तो हमने बलवान वैरागी ठाकुर बाउल गीत, ये एक ब्रह्मचारियों सन्यासियों एवं तपस्वियों के ऊपर कटाक्ष करते हुए जो कि ढोंग कर रहे हैं, बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, लेकिन अंदर से केवल आर्थिक और अपनी उदर भरण के ऊपर चिंता कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने एक बाउल गीत बलवान वैरागी ठाकुर, इसके ऊपर चर्चा किया। तो इस क्रम में अगला जो भजन है वो श्री मोहनदास जी द्वारा ब्रजभाषा में लिखा गया ये भजन है। तो किस तरह से हो रहा है ये बता रहे हैं, क्या भगवान की लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो इसको हम श्रवण करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं देखो। तो इसमें भगवान की जो गोधूली वाली जो लीला है उसका वर्णन करते हुए ये भजन लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बन शने आओ ता नंद दुलाल, गोधूली दूसर श्याम कलेवर, आ जानो लंबित वन माल, बन सने आओ ता नंद दुलाल, आ जानू लंबित वन माल। तो ये भगवान की जो गोधूली में आने वाली लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं। वन से गायों को चरा करके जब भगवान आते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं कि वन सने, मतलब भगवान जब वन से आते हैं तो पूरा सने हुए आते हैं। किससे? धूल से। आजकल के सिनेरियो में वृंदावन जाने का मतलब यही है। वृंदावन का मुख्य जो तो चीज है वो है वहां की धूल, ब्रज धूल। जैसे जगन्नाथपुरी का मुख्य चीज है वहां का प्रसाद। तो भगवान सांवले से हैं, आप भी सोच करके इसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे मन को भगवान ने ये इमेजिनेशन की शक्ति दी है। ये अलग बात है कि हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और कुछ और चीजें जो कि हैं भी नहीं उसका हम इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान किस तरह से आ रहे हैं इसका वर्णन मोहनदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब गायों को चरा करके भगवान लौटते हैं तो उनका सांवला जो रंग है वो धूल उसके ऊपर लग जाती है। और एक वनमाला भगवान पहन रहे हैं जो कि उनके घुटने तक इतनी लंबी वनमाला है। घन घन सिंगा वेणुरव सुनाई ते, ब्रजवासी गण धाए धाए, मंगल थारी दीप करे वाधु गण मंदिर द्वारे दाराए। अब क्या कह रहे हैं कि घन घन सिंग वेणुरव सुनाई ते, बहुत सारे जो सब लोग जितने भी ग्वाल बाल हैं सब लोग
अपने पास बिगुल रखे हो, वो बजाते हैं गों 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 ऐसे करके, बिगुल बजाते हुए और बांसुरी बजाते हुए वो लोग आ रहे हैं वहां से। जब गाय चरा करके वो आते हैं तो यहाँ से जो ब्रजवासी है वो सब दौड़ के जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए, और दरवाजे से सारे जो माताएं हैं वो सब देखते हैं और आरती उतारते हैं भगवान की, जो कि पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं। तो कैसे कह रहे हैं, मंगल थारी दीप करे वधु गण मंदिर द्वारे दाराएं। तो कैसे स्वागत करना चाहिए, वैष्णवों का स्वागत कैसे करना चाहिए या फिर भगवान का स्वागत कैसे करना चाहिए, ये इसका तरीका बताया कि सबसे पहले जब भी कोई आता है हमारे घर पे, जब कोई आता है व्यक्ति, कोई वरिष्ठ वैष्णव है या फिर कोई भगवान के भक्त हैं या फिर भगवान स्वयं भी हैं, तो उनका स्वागत करने का तरीका यज्ञ आदि में आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो वो जैसे आते हैं तो सबसे पहले हम, जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है शारीरिक रूप से एक अभिवादन होना चाहिए, शरीर में एक पुलक आना चाहिए कि इतनी खुशी की बात है कि वो आए हैं। तो इट इज अ गेस्चर इन द स्पिरिचुअल कल्चर और एनी सिविलाइज्ड कल्चर, द वे ऑफ ग्रीटिंग, लाइक ग्रीक लोग या जापानीज लोग ऐसे झुक करके प्रणाम करते हैं, इंडिया में लोग ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन दैट वी ग्रीट पीपल व्हेन वी वेलकम देम। तो जैसे वो शरीर से ही वो अभिवादन करते हैं, तो पहले प्रणाम किया, जैसे कि एक समय श्रुतदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। नाम के स्थान पे विदेह जो स्थान है वहां पर, विदेह राज में वो रहते थे, दो बड़े ही पक्के भक्त थे, श्रुतदेव और बहुलाश। श्रुतदेव जो थे वो थे बहुत ही गरीब थे, पर वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। जो भी उनको मिलता, जो भी ब्राह्मण के जीवन में जो भिक्षा से ही जीवन जीते थे, तो जो भी उनको मिलता बस इतना ही हो पाता कि वो अपने परिवार को चला पाए। तो पर वो बड़े ही प्रसन्न रहते, बड़े ही संतोष रहते, संतोषम परमम धनम। तो जो व्यक्ति संतुष्ट है, हर परिस्थिति में संतुष्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख सकते हैं, अपने शिक्षा गुरु से, अपने वरिष्ठ वैष्णव से पूछ सकते हैं, हमारा मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमको पूछना चाहिए, हमको आग्रह करना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या ये मेरा मन सही कह रहा है। तो उस राज्य का जो रूलर था, वो मिथिला का जो उस राज्य का मतलब विदेह राज्य जो था, वो थे बहुलाश्व। तो बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान की उपासना किया करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण उन दोनों से प्रसन्न होकर के अपने रथ पर सवार हुए और वहां विदेह नगर गए। उनके साथ नारद मुनि, व्यासदेव, असित, मैत्रेय इत्यादि बहुत सारे ऋषि महात्मा भी गए भगवान के साथ। जहां भी भगवान जाते वहां पर उनका स्वागत होता, बहुत सारा फल फूल इत्यादि सब लोग अर्पित किया करते। जैसे ही वो विदेह पहुंचे बहुत सारे लोग वहां पर आ गए उनकी स्वागत के लिए, भगवान के स्वागत के लिए। अब ध्यान से सुनना, इस स्वागत के ऊपर ही उतारे।
दोनों ही भगवान के चरणों में गिर गए। कौन? बहुलाश्व जो राजा है और शुतदेव जो कि रंक है, एकदम गरीब है। और दोनों ने कहा कि भगवान आप हमारे घर चले एज ए गेस्ट, सारे ब्राह्मणों के साथ, है ना। अब भगवान सोच रहे थे कि ये बहुलाश्व तो बुला रहा है, ये तो चलो ठीक है, ये जो शुतदेव है ये कैसे खिलाएगा पिलाएगा भाई, हमारे साथ 1,000 लोग और भी हैं, इतने सारे ऋषि महात्मा भी हैं, तो ये कैसे, ये भी बोल रहा है कि चलिए हमारे घर रुकिए, है ना। तो सबसे पहला तो यही है कि जब भी कोई ऐसे जो गणमान्य व्यक्ति हो या फिर हमारे रोज एक हृदय में उनके प्रति अफेक्शन, उनको अटेंशन देना और एप्रिसिएशन, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के प्रति। ये तीन चीजें व्यक्त करने से उससे हमारे जो संबंध है वो स्ट्रांग होता है। एक तो ये हैविंग अफेक्शन फॉर हिम, अफेक्शन का मतलब उनका बुरा ना हो, उनका अच्छा ही हो ये सोचना, और उनसे स्नेह करना, मतलब थोड़ा सा भी उनका दुख हमको लगना नहीं होना चाहिए उनको, या फिर उनका सुख हो तो हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसे कहते हैं अफेक्शन हो। तो एक तो अफेक्शन, दूसरा चीज अफेक्शन होने के बावजूद भी, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इवन इफ यू हैव अफेक्शन बिटवीन ईच अदर, वी शुड गिव अटेंशन टू ईच अदर ऑल्सो। अटेंशन का मतलब जब वो कुछ बात सुन बोल रहे हैं तो अपना ऐसे नहीं कि बैठे हुए, हाँ बोलो ठीक है ठीक है करवाते हैं, ये वाला नहीं, गिविंग अटेंशन, अफेक्शन, अटेंशन और फिर एप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब जब कोई कहीं पर कुछ अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट करना कि बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। तो दोनों ही ने कहा कि भगवान को देख करके दोनों की आंखों में आंसू आ गया, दोनों ने कहा कि ठीक है हमारे घर पे आइए। भगवान ने कहा वैसे ठीक है आप लोग बुलाते, ठीक है मैं दोनों के घर आऊंगा। और भगवान ने और सारे ऋषि महात्माओं ने अपना विस्तार किया दो रूपों में, और दोनों के घर भगवान पहुंच गए। तो सारे ऋषि महात्माओं ने भी विस्तार किया और भगवान ने भी, वो भी योगी हैं, भगवान ने भी विस्तार किया और दोनों के घर साइमल्टेनियसली पहुंचे। इसको बोलते हैं वैभव प्रकाश, भगवान जो वैभव प्रकाश ये लीला कर। जब बहुलाश राजा के वहां पे पहुंचे तो वहां देखा कि राजा खुद ही उतर करके उनका स्वागत कर रहे हैं, और भगवान को के चरण उन्होंने धोए, सारे ऋषि महात्माओं के भी चरण धोए गए, और उसके बाद जो चरण धुला हुआ जो जल था उसको अपने सर पे और अपने सारे परिवार के और राज्य के जितने मंत्री इत्यादि थे सबके सर पे छिड़का गया। और फिर उसके बाद चंदन पुष्प वस्त्र इत्यादि से और पूजा की गई और बहुत सारा दान दिया गया, उन गाय इत्यादि, और बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब सब लोगों ने बढ़िया से खा लिया तो फिर भगवान का चरण अपने गोद में लेकर के बहुलाश उसको दबाने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि आप यहीं रुक जाइए मिथिला में ही, हमेशा यहीं पे रहिए, है ना, इससे हमारे सारे जो है जो जनता है हमारे राज्य की उनको सबको भी लाभ होगा। अब शुतदेव जो थे उनके यहाँ भी भगवान पहुंच गए। अब शुतदेव के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन
शुद्धदेव के पास कुछ भी था नहीं कि बहुत बड़ा ग्रैंड उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत करें। गरीबी इतनी थी कि बस जो कोई कुछ दे देता उसी से, अगर कोई दे दिया किसी के मन में, अगर भगवान ने प्रेरणा दे दी कि शुद्धदेव को दे दो तो ठीक है, नहीं तो शुद्धदेव भी मांगने नहीं जाने। तो फिर हुआ ये कि भगवान जब आए वो सारे ऋषि महात्मा भी आ गए, पर इनके पास तो कुछ था नहीं। तो ये अपना जो गमछा था, गमछा उठा करके जोर जोर से नाचने लगे और उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगे। बस इस तरह से स्वागत कर रहे हैं ना, अपनी क्षमता के अनुसार जो बेस्ट है वो कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप अपने पास कितना रखे हुए। जितना है उससे कितनी सेवा कर रहे हैं उसके अनुपात में ही और मिलता है। जितना है अभी उससे कितनी हम सेवा कर रहे हैं, आप सच मानिए। मैंने देखा है बड़े लोगों को बड़े रोग होते हैं, छोटे लोगों को वैसे रोग नहीं होते। मैंने वहां हमारे गांव का नाम, एक वहां पे एक गांव है उसका नाम है पचलौरिया गांव, ऐसे ही यूपी में ऐसे ही गांव होते हैं। तो मैंने देखा कि वहां जब किसी को कुछ गड़बड़ रोग होता है तो कैसा रोग होता है, तो ऐसा रोग होता है कि मतलब सर फट गया है, या वहां से गिरे पंपिंग सेट से गिरे सर फट गया, या कुछ ऐसा हो गया। अब जो जो थोड़ा एलाइट क्लास है, जो कस्बे में रहता है, जो ज्ञानपुर कस्बे में रहने वाला, वो लोगों को मैंने देखा कि उनको क्या डिप्रेशन ऐसे हो रहे, रोग ऐसे हो रहे, एंजाइटी अटैक आ रहा है या फिर डिप्रेशन हो रहा है। उसके लिए उनके 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए खर्च हो रहे, और ये जो व्यक्ति है 1,500 रुपए में इनका सब प्लास्टर वास्टर करके आ गया है, और इसको ये मान रहे हैं। जिसके पास जितना एक्स्ट्रा एकत्रित करके रहता है भगवान उसी हिसाब से उसको चैलेंज भी देते हैं, और वो सारा माया में खर्च हो जाता है। तो श्रुतदेव से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक एक वस्तु जो है हमारे पास उसका 100% यूटिलाइजेशन भगवान की सेवा में कर देना चाहिए। और मिलेगा, चिंता मत करो, और मिलेगा। तो श्रुतदेव ने अपना छोटी सी कुटिया थी तो सारा पर वो अपना नाचते हुए भगवान का स्वागत किया, और अपने शॉल को गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाने लगे, है ना। उसके बाद सबको आसन दिया, एक घास का आसन दिया, और वो भी घास तो बगल वालों से मांग करके वो लेके आए, है ना। उसके बाद भगवान के चरण धुले और भगवान की पूजा इत्यादि, चंदन वगैरह तो था नहीं, वही मिट्टी कोई ही थोड़ी सुगंधित थी उसी को अर्पित करके, और तुलसी और कुछ फूल इधर उधर से जो भी मिल जाए उससे ही भगवान का उपचार कर दिया। और उस दिन जो भी भिक्षा में मिला था उसी से भगवान को जो भी था वो ही आटे का घोल इत्यादि वो सब भगवान को अर्पित कर दिया। और उसके बाद भगवान के चरण दबाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने, श्रुतिदेव ने पूछा कि भगवान हम लोग आपके दास हैं तो हम क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सब जितने भी ऋषि महात्मा आए थे उनके साथ उनकी भी तारीफ की कि भगवान ये सब भक्त इनका भी बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है, इस तरह से जो है तारीफ करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये हे ब्राह्मण, ये सब जितने भी साधु संत आए हैं यही तुम्हारे घर पे कृपा करने के लिए आए हैं तुम्हारे ऊपर। इनको देखने मात्र से कई सारी तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है।
कुछ देर तक भगवान दोनों ही के घर रहे, शुतदेव और बहुलाश, और दोनों से ही वो बराबर में ही प्रसन्न थे, और दोनों ही अंत में भगवान के धाम गए। तो एक व्यक्ति है जो कि अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम करना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो अपनी क्षमता से इतना कम से कम में हो जाए, बस अगर इस तरह से करना चाहता हो तो पता तो चल ही जाएगा। का मतलब यह है कि ज्यादा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं। तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? बनसनेयावत नंद दुलाला। सेकंड लाइन में क्या करें? घन घन श्रृंग वेणु रव, सिंह मतलब हॉर्न बजा रहे हैं और बांसुरी बज रही है, ब्रजवासी गण धाय, ब्रजवासी गण पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं, मंगल आरती की थाली, दीप और सब मतलब लेकर के, और सारी जो है सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं भगवान का। पीतांबर धर मुख जिनी वधू बर, नव मंजरी अवतार, चूड़ा मयूर शिख डक डक शिखंड मंडित, चूड़ा मयूर शिखंडक मंडित, बयाली मोहन बंसा, ब्रजवासी गण बाल वृद्धि जने अनिमिखे मुख शशि तेरी। तो इस भजन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पीताम्बर धर मुख जिनी वधू वर, कह रहे कि बहुत सारे जो चंद्रमा है उन सब के सौंदर्य को, भगवान का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सबको परास्त कर रहा है, सैकड़ों चंद्रमाओं को के सौंदर्य को परास्त कर रहा है। और सारे ब्रजवासी इस दृश्य को देख रहे हैं, धूल से दूषित हुए भगवान ठाकुर जी, और सब लोग एकदम टकी टकी नाखों से देख रहे हैं, आंखें कोई पलक नहीं झपका रहे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सारे गाय जो हैं वो अपने अपने शेड में अपने आप आ जा रही हैं, और भगवान जो है अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं, गोगण सबहू गोथे पर बेशला, मंदिर चलो नंदला, आकुल पंथे आकुल पंथे यशोमती आओला, मोहन भनीत रसाला। तो इस तरह से ये भजन जो है, हमने आज स्वागत कैसे करना है, किसी भक्त का स्वागत कैसे करना है, जब कोई आता है तो सबसे पहले ही हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट की भावना आनी चाहिए। हाउ टू रेस्पेक्ट, हाउ टू वेलकम डिवोटीज और कृष्णा। फिर उसके बाद जैसे ही वो आए तो तुरंत उनको जो है पांव धुलाना, या फिर उनको गार्लैंड पहनाना, या फिर उनको गोपी चंदन लगा सकते हैं, और नर्सिंग ऑयल लगा सकते हैं इस तरह से उनका, फिर उनको माला पहनाना, जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पर थोड़े फूल रखना, और फिर उसके बाद आगे ले जाकर के जब द्वार के चौखट पे पहुंचे तो वहाँ पर उनकी आरती करना। फिर तो ये सब तरीके हैं। फिर आरती करने के बाद फिर जो है उनको कुछ स्थान देना, जल देना, फिर उसके बाद उनसे पूछना कि हमको क्या सेवा आपकी, हम क्या सेवा कर सकते, ठीक है। तो ये है तरीका थोड़ा स्वागत करने का। फिर
मान लो वो जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? जा रहे हैं तो कुछ थोड़ा गिफ्ट होना चाहिए, कुछ जो कि हम उपहार कुछ हम दे रहे हैं उनको, साथ में कुछ अगर हम जो आर्थिक रूप से भी कुछ कर सके तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से जो है, दिस इज द वे टू वेलकम डिवोटीज। ठीक है, मैंने ये थोड़ा इसलिए बताया ताकि भक्तों को पता रहे कि भाई बस, तो और भी तरीके तो बहुत सारे हैं, ऐसे भी बहुत सारे तरीके, पर हम उसे वैसे प्रयास करना चाहिए कि ये वैदिक पद्धति ऐसे उनका पाद प्रक्षालन करके फिर जो है करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने स्वागत के ऊपर ही चर्चा किया। मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई हैंड रेज करके बोलना चाहता है या फिर कोई अनम्यूट करके भी बोलना चाहता है तो वो कर सकते। नाथ निष्ठ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी धनुप्राम। नाम? हाँ जी बताइए। जैसे हम साधना में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब तक मैं ये पूछ रहा था कि जब तक सपोज हमारी 16 माला नहीं हो पा रही है, तो जैसे सार्वेदक बोलते हैं करना तो चाहिए, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जब तक नहीं हो रही क्या तब तक कलयुग कार्य कर रहा है प्रभु जी? देखो, मैं आपको थोड़ा शेयर करके दिखाता हूँ ना, कलयुग कैसे कार्य करता है। अलग अलग भक्तों पर अलग अलग स्तर पे कार्य करता है। ये जो मैं लिख रहा हूं, अब इसको बड़े ध्यान से देखना। तो कलयुग जो है, वो जो नए भक्त, फॉर नियोफाइट डिवोटीज, जो नए भक्त हैं उनके ऊपर कलयुग कैसे कार्य करता है, जो नए भक्त हैं उनके ऊपर कलयुग कैसे कार्य करता है, ऑप्शंस क्रिएट करके या ऑप्शन माइक ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, मतलब ऑप्शंस क्रिएट करके। तो ऑप्शंस कैसे देगा कि देखो ये अच्छा है, वहां पे तो बोला जा रहा था कि जो है अनाउंस हुआ है कि आज फ्रेशर पार्टी, फ्रेशर पार्टी है, इस तरह से माया जो है कार्य करती है। तो मटेरियल ऑप्शंस देती है, या फिर ये कहेंगे कि देखो थोड़ा ऐसे लोगों का संग हो जाएगा जो कि कहेंगे, तो उनको कोई अगर ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे उस चीज को करने में, ईज उसका जो है, ईज ऑफ डूइंग अगर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो वो भी छोड़ देंगे कि नहीं नहीं बस बस बहुत कठिन होता है प्रभु जी, हमसे नहीं होता है ये 16। तो नए लोगों के लिए इस तरह से, जब नए लोग रहते हैं तो इस तरह से आता है, या फिर उत्साह में कमी आती है और फिर जो थोड़ा सा वरिष्ठ हो जाते हैं फिर ये करें कि ये करें, है ना? नहीं, या डिटर्मिनेशन में कमी आ जाती है। तो इसको बहुत सारा क्या क्या बोलते हैं, तरंग रंगिनी, व्यूढ़ विकल्पा, नियमाक्षमा, नियमाक्षमा उत्साहमयी, तो ये पांच होते हैं। एक मुझे मिस हो रहा, उत्साहमयी, नहीं, उत्साहमयी, व्यूढ़ विकल्प, नियमाक्षमा, तरंग रंगिनी,
ऐसे करके पांच होते हैं। तो ये सब उनको कुछ ऑप्शंस देंगे, या फिर कोई कभी ये करने का मन करे, कभी ढीला करने का मन करेगा, है ना। नहीं, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। अब जो थोड़ा सा मध्यम अधिकारी के भक्त हो जाते हैं ना, नहीं मीडियोकर डिवोटीज, जो मीडियोकर डिवोटीज है उनके स्तर पर क्या होता है, उनके स्तर पर ये होता है कि मेटीरियल ऑप्शंस नहीं आते उनके ऊपर, ऑप्शंस आते हैं जैसे कि कोई अपराध कर देते हैं, अपराध से भोग इच्छा बढ़ जाती है, या फिर उनका जो है भक्ति करते ही उनको जो है प्रायोरिटीज में कमी आ जाएगी, जैसे कि प्रायोरिटीज में जैसे उनको लगेगा कि सुबह ही लेक्चर सुन लेते हैं पहले, बाद में माला करें, विच इज रॉन्ग, या फिर प्रचार के लिए मैसेज डालना है वो सुबह ही डाल देंगे, नहीं माला बाद में करेंगे, तो विच इज रॉन्ग, या फिर कुछ भक्तों को काउंसलिंग करनी है तो सुबह ही काउंसलिंग करने लगेंगे, माला नहीं करेंगे, विच इज रॉन्ग। तो मीडियोकर डिवोटीज के लिए भक्ति तनर्थ, अपराध तनर्थ, ये सब आती, या फिर उनको जो है उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज में उनको दिक्कत होती है कि ये वाली फिलोसफी करें या ये वाली फिलोसफी ठीक है। वो तो बोल रहे थे कि हनुमान जी भी तो भगवान के भक्त ही हैं, तो अगर हनुमान जी के तो भक्त हैं तो भक्त की भक्ति करने से भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्या, बताइए प्रभु जी। तो ये कौन है, ये है, तो इनको जो है मीडियोकर डिवोटीज, तो इनको जो जो इनको ये फेथ के ऊपर इस तरह से फे ऑप्शंस, प्रायोरिटीज के ऑप्शंस ये सब क्रिएट किए जाते हैं, है ना। तो जो बहुत ही और जो उत्तम अधिकारी या वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनकी निष्ठा वगैरह सब बनी रहती है, और वो जो है जल्दी विचलित नहीं होते। तो लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उनके भी जीवन में ये जो है कलयुग कार्य करता है या फिर माया कार्य करती है, लेकिन दिखता है ऐसा कि माया या कलयुग कार्य कर रहा है, वो किस लिए होता है, टू सेट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है, या फिर किसी भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए। उसके लिए ये जो है उनके जीवन में ऐसा लगता है कि माया का प्रभाव हो गया है, या जैसे शिव जी मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो जा रहे हैं ना, और उसके बाद भगवान उनको ऋषि महात्माओं के पास से लेके जा रहे हैं ताकि दिखाने के लिए, या फिर, तो ये सब किस लिए हो रहा है, एक उत्तम अधिकारी जो है उसके ऊपर ये सब हो रहा है वो बस एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या फिर भगवान की किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये होता है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स, जब जब साधना अच्छी नहीं होती है किसी की तो नहीं आता है, तो जो मीडियोकर भक्त है उनका तो कुछ तो अपराध की वजह से, सेवा अपराध, और सेवा अपराध जितने भी हैं वो सेवा से नष्ट हो जाते हैं। आप अच्छे डेडिकेशन से सेवा कीजिए, नाम अपराध ध्यान पूर्वक जप करने से नष्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जब साधना जो है ठीक से नहीं हो पाती है, जब से, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि क्या आपने नाथनिष्ठ प्रभु क्या कहा था आपने बन। प्रजी, कल मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि जैसे कलयुग के सारे सिम्टम्स कार्य कर रहे हैं, कि जैसे मेरी चेतना में बना हुआ है कि पैसा कमाओ, धन कमाओ, दौलत कमाओ, बचपन से भी ये अपब्रिंगिंग हो रही है, विश्व वर्ल्ड में लगभग हर जगह यही हो रहा है, और पकड़ पकड़ के सबको भटकना जा रहा है। तो मोर और लेस एक तरह से कलयुग के चेले हैं, और अभी केवल तिलक कंठी वाला धारण किया, थोड़ा माला पहनना स्टार्ट किया। तो क्या वास्तव में बोल रहे हैं कि 16 माला चार नियम करने से कलयुग का प्रभाव कटेगा, लेकिन क्या वास्तव में कलयुग का प्रभाव कट रहा है? क्योंकि तो अलग अलग तरह से तो माइंड ट्रिक तो हो ही रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर 16 माला सुबह 7 बजे तक मान लो नहीं हो रही है, तब भी उस सिचुएशन में जब तक नहीं हो रही है, उस समय वास्तव में क्या कलयुग कार्य कर रहा है?
या फिर या ग्रॉस लेवल पे, जैसे मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये तो ग्रॉस लेवल की चीजें हैं। लेकिन उसके बाद सूक्ष्म है और अन्य डिफरेंट अन्य अदर टाइप की डायमेंशन से कलयुग तो हृदय में भी प्रवेश करके जो है, कलयुग ने तो सबको बेवल्डर कर दिया, सारे देवताओं को। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम मतलब एक हमारे साथ कैसा कार्य कर रहा है, और वास्तव में मैं बचपन से क्या कली चेला रहा हूं या नहीं रहा हूं। मैं अपने लिए पूछना चाह रहा था कि हाँ एक तो बचपन से कली चेला रहा हूं वो या नहीं रहा, हाँ अपनी भक्ति के दम तो पे इसको हम मैं सब आया हूँ या लोग वास्तव में पकड़ के लाया गया। और दूसरा प्रश्न ये था कि नहीं अभी भी साधना अगर नहीं नहीं हो रही है तो कलयुग कैसे कार्य कर रहा है। कलयुग आपके स्तर पे अभी तो कलयुग ऐसे कार्य कर रहा है कि जो आप निर्णय लेते हैं उसको क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। इसका बस ये तरीका है कि जो समय आपके पास रॉन्ग टाइप का शेड्यूल होने से भी बचता है उसका उपयोग बहुत ही डीप साधना में करना चाहिए। धीरे धीरे सारी प्रायोरिटीज वाला जो टाइम है वो भी सही हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो 7 बजे उठने लगा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके जो समय अब बचा हुआ है उसमें ध्यान पूर्वक जप करे और हियरिंग बढ़ा दे। इस तरह से जो है धीरे धीरे वो टाइम भी इम्प्रूव हो जाएगा। रही बात आपका प्रश्न है कि कलयुग क्या हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं, हाँ हॉस्पिटल में ये पूछना नहीं चाहिए कि रोग है कि नहीं, हमें सबको है और क्या तो हॉस्पिटल में पूछने का जरूरत नहीं है कि कहीं हम नित्य सिद्ध तो नहीं थे नहीं थे, चिंता कोई नित्य सिद्ध नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे रोग तो है ही है सबको, है ना। नहीं तो इसलिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कलयुग हमारे ऊपर कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। कलयुग सबके ऊपर कार्य कर रहा है। ये बात जरूर है कि जब भक्तों के संग में हम रहते हैं ये सब जब कर रहे हैं तो इसमें सॉल्यूशन है, लेकिन उतना अच्छे से हम नहीं करते हैं इसलिए कई बार कार्य नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर आप सच में ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं और 4 नियम का सच में दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, किसी भक्त के मार्गदर्शन में भजन कर रहे हैं, प्रसाद इत्यादि खा रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल दैट आपके हार्ट में चेंज नहीं आएगा। कमाल कृष्ण महाराज ने तो एक बार एक व्यक्ति को चैलेंज किया कि अगर आप 3 महीने तक हमारा शेड्यूल फॉलो कीजिए और आपको कोई परिवर्तन ना आए तो हम आई विल गिव यू $15,000 तो इस तरह से जो है जरूर चेंजेस तो बहुत सारे आए। आप सोचिए इतना सुबह सुबह कौन सुबह सुबह उठ करके 7 बजे क्वेश्चन पूछने लगता है भगवान के बारे में, इसका मतलब परिवर्तन तो आया ही है। लेकिन इस बात पे हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार यह होता है मन एकदम चंचल हुआ रहता है कि अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ होगा, क्या होगा, कुछ हो कुछ कुछ तो हो, अरे हो नहीं रहा, बस माला कर लिया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। भाई अभी करिए थोड़ा सा, अरे अभी होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम अधीर नहीं होना कि अरे वो क्या हो गया, अरे तो कुछ तो हो, कैसे नहीं, मेरा अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, अरे थोड़ा नहाइए, थोड़ा होएगा अनर्थ निवृत्ति, क्यों नहीं हो, धीरे 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 सब अनर्थ निवृत्ति होगा। मान लीजिए थोड़ा दवाई के टेक्निक में परिवर्तन कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक तुलसी के सामने ही बैठ के जप करें, एक एक शब्द को सुने इत्यादि, है ना। नहीं और इससे परिवर्तन होगा, लेकिन ये बात सच है कि ध्यान पूर्वक जप करने से काफी हद तक परिवर्तन तो आता है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी जी धन्यवाद। तो जी परिवर्तन तो आया है, महसूस किया है। लेकिन कई बार गुरु महाराज लेक्चर में बोलते हैं कि आप सब आप बहुत पुण्य आत्मा रहे हो, तो हमें ये कंफ्यूजन था वास्तव में पुण्य आत्मा रहे या कलयुग के चेले हैं, मतलब बचपन से। ये मैं और थोड़ा सा पूछना चाह रहा था हाँ अपने लिए, पुण्यात्मा वास्तविकता तो में पूछना चाह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। नहीं, पुण्यात्मा तो है ही, पुण्यात्मा तो रहे तभी तो भजन मिलता नहीं ना किसी को, केवल पुण्यात्मा को मिलता है, भजन सबको नहीं मिलता। लेकिन एक तरह से कलयुग में पैदा हुए और अपब्रिंगिंग कलयुग के टाइप का हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत संस्कार सीखे हैं, लेकिन क्या वास्तव में कलयुग के चेले नहीं है प्रभु जी। हाँ कलयुग के चले, अब हमारा जो क्योंकि भजन में आ गए तो कुछ परसेंटेज रहता है कुछ परसेंटेज नहीं रहता है, समझ गए, कुछ परसेंटेज रहता है कुछ परसेंटेज नहीं रहता है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, वैष्णवों का पदार्पण हमारे जीवन में हो गया है तो धीरे धीरे परिवर्तन।
यानी पहले 100% चले थे, अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कलयुग का थोड़ा थोड़ा प्रभाव कट रहा है, ये मतलब। धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, पूरन सिंह प्रभु आपका थैंक कोई, यू थैंक प्रभु जी। यू पूरन सिंह प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। मैं अपनी समस्या बोल रहा हूँ, इसको गलती में लिए तो आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये माला तो मैं कर रहा हूँ प्रभु जी, फिर इसके बारे में, अब मेरा बच्चा है ना चेतन, आप जानते ना हाँ चैतन्य कथा दास, उन एक करे हाँ तो वंश को पीढ़ी उद्धार होती बोल के बताया ना प्रभु जी, अब मैं नहीं करने से भी हाँ मेरा हाँ उद्धार होता ना, नहीं होता? हाँ हाँ होता होता, बिल्कुल होता है। नहीं, और एक बात, किसी को बाकी है अगर तो उन लोगों को संतान होती बोल के बताया आप मतलब, और कोई गुरु जी आप भी बताए होंगे, किसी को संतान होती किसी को होती, तब हम चैतन्य कथा दास को कुछ बाकी थे क्या कोई जन्म का? हाँ, तब उनसे फिर मैं रिटर्न करा लिया तो मतलब नहीं आता ना प्रभु जी? भक्ति में ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ ट्रांसेंडेंटल दिव्य मैथमेटिक्स है, जैसे हाँ वन हाँ प्लस वन भी, हो 1+1 तो बढ़ता है, लेकिन वन हो माइनस वन होने पर वो वन ही रह जीरो। जाता है। अच्छा, भक्ति कोई में बात ऐसा नहीं। नहीं होता। अच्छा, ठीक प्रभु जी, बहरहाल आपका लेक्चर तो बस हमेशा पसंद आता, पूछना बोलता हूँ पूछ नहीं सकता हूँ, हिम्मत नहीं करता हूँ, और कोई चीज पूछूंगा सोचता हूँ भूल जाता हूँ प्रभु जी, कुछ ऐसा हालात में हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ पूछना बोल के सोचता हूँ भूल जाता हूँ, क्या पूछ रहूंगी क्या पूछना की क्या नहीं, हाथ रेस करके फिर डाउन कर देता हूँ, तो इस बात पे आशा आर्य माता जी बोले आप क्यों नहीं पूछते, पूछो प्रभु जी सब समझाते, तो वैसा तो अब हम भी करना जरूरी है भक्ति, वो तो हमारे उद्धार के लिए है, पर आप सबके लिए ले रहे हैं, आपका बहुत बड़ा, अब मैं क्या बोलूंगी समझ में नहीं आ रहा आपके बारे में, इतनों की जिम्मेदारी ले रहे हैं आप, शिमला बोलो हम लोग बोलो, बहरहाल हम लोगों को रास्ता दिखा रहे आप, इतना तो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मैं यहाँ से परमिशन ले हूँ। हाँ, हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, अगर कोई गलती हुई बोलने में बिल्कुल तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। हरे कृष्ण। अरे कृष्ण, लेकिन फिर भी आपको अपना भजन करना चाहिए, वो चैतन्य कथा प्रभु पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि को, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।